के सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने लगातार प्रयास किया अयोध्या के विकास के लिए सरकार ने जिस प्रकार से यहाँ पर काम किए, आज सब कुछ हाईटेक होता हमने देखा है। और जिस प्रकार की ये शैली से ये मंदिर बनाया गया, जिस प्रकार से ये तस्वीरें देखिए, इसका जितना वर्णन करिए उतना कम। तस्वीरें हैं भगवान राम की आंखों को देखकर, उनकी मुस्कान को देखकर, उनकी स्मृति और उनके आभूषणों को देखकर, जो मधुराष्टक की वो पंक्तियां हैं मुझे याद आती हैं कि अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम, गमनम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम। उनके अधर मधुर हैं, उनके नयन मधुर हैं, उनकी ये मुस्कान से लेकर उनका हृदय भी मधुर है। लगता है और इतनी मधुर मुस्कान को देखकर वाकई में अगर किसी का मन नम हो जाए तो आरती नहीं, आरती आरती शुरू हो गई है, आरती शुरू हो गई है। आरती देखिए आप लोग, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये आरती, ये गूंज सुनिए। मुझे लगता है आपके आसपास भी, अभी हम स्टूडियो में बैठे हैं लेकिन आसपास पटाखों की और आतिशबाजी की आवाज हमें स्टूडियो के अंदर तक सुनाई दे रही है। पुष्प वर्षा हमारे आसपास भी इस वक्त हो रही है। आरती के लिए हम भी अपनी कुर्सियों से खड़े होकर आरती करना चाहते हैं, हमारे भी अपने आप हाथ जोड़ चुके हैं। भगवान राम के प्रति हमारे मन में जितनी आस्था है और जितनी श्रद्धा का सैलाब है वो इस वक्त उमड़ रहा है। और जो इस वक्त शांति का भाव और अपने घर वापसी का भाव राम के चेहरे पर है, वो शांति का भाव इस वक्त आपके और हमारे चेहरों पर है। अपने आप शीश झुक रहा है, अपने आप हाथ एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, अपने आप श्रद्धा और आस्था के सैलाब में डूबने का मन कर रहा है। और ये शंखनाद कानों में बार बार गुंजायमान हो रहा है। भगवान रामलला के इस दर्शन के सौभाग्य का जो पल हमें मिला, इतने सौभाग्यशाली होने का जो अवसर हमें मिला, इस अवसर के लिए चाहे प्रधानमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित करना हो या भगवान श्री राम का, क्योंकि हुई है वही जो राम रची राखा, राम ने रचा था कि 22 जनवरी 2024 को 12:20 पर आऊंगा अपने घर, तो आ गए हैं रामलला, बैठ गए हैं रामलला, विराजित हो गए हैं रामलला और बन गया है इतिहास। बिल्कुल हार्दिक, और तस्वीरें बस देखते जाइए और प्राण प्रतिष्ठा की लाइव तस्वीरें जी राजस्थान आप तक पहुंचा रहा है। और ये हमारी अनवरत अखंड कवरेज जो है वो लगातार जारी है। और देखिए किस प्रकार से इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा अंतिम चरण में आरती हो रही है। इस वक्त तमाम वाद्य यंत्र जो पूरे देश के कोने कोने से यहाँ पर गए हैं वो आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। 7,000 करीब विशिष्ट अतिथि यहाँ पर बुलाए गए, वो यहाँ पर पहुँचे। हमने एक एक तस्वीर आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है, क्योंकि आज ये जो जयघोष आप सुन रहे हैं, ये जयघोष आने वाले हजारों वर्षों तक सुनाई देगा। क्योंकि जिस प्रकार की, जिस मानसिकता के साथ बाबर ने अयोध्या में इस मंदिर को तोड़ा और उसी मंदिर के अवशेषों के ऊपर मस्जिद के 3 गुंबद बना दिए, जिसको लेकर विवाद चलता रहा। और जैसा कहा गया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मर्यादा में रहकर ही प्रभु की इच्छा के अनुरूप ही फैसला आया, और फैसले के बाद मर्यादा में रहकर ही बहुत ही शांतिपूर्वक ये मंदिर का निर्माण भी हुआ। और सभी लोग चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, जैसा कि मैंने एक इंटरव्यू हार्दिक देखा था देवराहा बाबा का, देवराहा बाबा ने ये बात कही थी जब उनसे एक इंटरव्यूअर ने सवाल पूछा था कि मंदिर बनेगा कि नहीं बाबा, तो उन्होंने कहा था मंदिर बनेगा और बहुत ही मर्यादा में रहकर मंदिर बनेगा और सभी स्वागत करेंगे चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। और वही हुआ जो देवराहा बाबा ने कहा था, और एग्जैक्ट वही हुआ, किसी को कोई आपत्ति नहीं रही, सबने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। और जिन्होंने फैसला सुनाया था, जो जजेस की जो बेंच थी, वो इस वक्त सभी लोग इस प्रांगण में मौजूद हैं जहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है। और वो भी आज रामलला के दिव्य दर्शन करने के लिए जो लोग चुने गए हैं, जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, साक्षी बने हैं, वो भी इसमें से एक हैं। आप देख सकते हैं जी राजस्थान पर रामलला के साक्षात दर्शन हम आपको करा रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको सीधा गर्भगृह से दिखा रहे हैं। बारी बारी सभी आरती करते हुए, पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आरती की, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वहाँ पर सरसंघ चालक मोहन भागवत, जिनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, जब हमने देखा था कि जब शिला पूजन हुआ, जब हमने देखा जब भूमि पूजन वहाँ पर हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे और दंडवत हो गए, तो उस वक्त योगी आदित्यनाथ मौजूद थे उनके बगल में, उस वक्त सत्येंद्र दास वहाँ पर मौजूद रहे और मोहन भागवत वहाँ पर मौजूद थे, आनंदीबेन पटेल वहाँ पर मौजूद थे। तो जिन लोगों ने भूमि पूजन कराया आज वही प्राण प्रतिष्ठा में शामिल। और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे, क्योंकि वादा किया था साक्षात दर्शन कराएंगे। जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ और मैं लिखित में दे सकता हूँ कि जी राजस्थान के तमाम दर्शक इन तस्वीरों को देखकर भावुक हैं, आनंदित हैं, संतृप्त हैं, वो निशब्द हैं, वो मर्यादित हैं, वो शरणागत हैं, वो सब राममय हैं, वो सब
इस वक्त राम की आस्था और श्रद्धा में डूबे हुए हैं। रामलला को इस तरह से देखकर, उनकी इस मंद मंद मुस्कान को देखकर, शालिग्राम के पत्थर से बनी हुई 5 फीट की इस मनमोहक, अलौकिक, अविस्मरणीय मूर्ति को देखकर और यहाँ की इस नक्काशी और इन विदेशी फूलों की सजावट को देखकर उनके मन में भी बस एक बात आ रही होगी, जय श्री राम। और परम श्रद्धेय जय श्री राम इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जी राजस्थान आपको साक्षी बना रहा है उस इतिहास का, जिस इतिहास का इंतजार 500 सालों से हुआ है। जी राजस्थान आपको साक्षी बना रहा है, गवाह बना रहा है उस क्षण का, जिस क्षण के इंतजार के लिए हजारों लाखों लोगों को गोलियों से भून दिया गया और उनकी बलिदानी और उनकी कुर्बानी का परिणाम आज देखने को मिल रहा है। जी राजस्थान आपको स्पेशली राम मंदिर के अंदर की वो तस्वीरें दिखा रहा है और वो आस्था और श्रद्धा के उन पलों को दिखा रहा है जिन पलों को देखने के लिए, इस राम धुन को सुनने के लिए, इस भाव को महसूस करने के लिए सालों तक हम तरसे हैं, हम तड़पे हैं और आज जाकर के जब ये पल हमारी आंखों के सामने है तो यकीन नहीं हो रहा कि वाकई। हार्दिक, और इन चेहरों को भी जरा देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को देखिए जरा गौर से, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखें, इनके चेहरे पर एक सुकून नजर आ रहा है, इनके चेहरे पर लग रहा है जैसा कि बहुत बड़ा एक काम था जो संपन्न हुआ, आज जो संघर्ष हुआ उस संघर्ष के बाद आज की तस्वीर जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी यहाँ पर पहुंचे और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हुआ और प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर संपन्न हुआ है, आप देख सकते हैं आरती हुई है, भोग लगाया गया है और जो चल और अचल प्रतिमाएं हैं प्रभु राम लला की वो इस वक्त हम तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं, तमाम दर्शकों से साझा करने का हमारा प्रयास है। बदलते अयोध्या और उसके बाद आज ये राम मंदिर बनकर तैयार हुआ और बाहरी प्रांगण का काम जरूर चलता रहेगा लेकिन जो गर्भगृह है वो पूर्ण रूप से यहाँ पर बनकर तैयार, और शास्त्रों के हिसाब से जिस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा होती है कुछ उसी हिसाब से प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर हुई है और तमाम गणमान्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सभी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं। आशीष, आपके लिए मैं ये कहना चाहूंगा और हमारे तमाम दर्शकों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि परम श्रद्धेय जय श्री राम के पुनरागमन पर इस अविस्मरणीय, अलौकिक, अकल्पनीय पावन पुण्य काल में राम राज्य की पुनर्स्थापना पर हम सबको साक्षी बनने के लिए मंगल कामनाएं, आपको शुभकामनाएं, जी राजस्थान के पूरे परिवार को शुभकामनाएं और जी राजस्थान देख रहे उन तमाम दर्शक को शुभकामनाएं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रभु श्री राम की इन कमल नयनों को, इस मधुर मुस्कान को इस वक्त देख रहे हैं, उनके इस खूबसूरत श्रृंगार को इस वक्त देख रहे हैं, उनके इस स्वर्ण आभूषण को देख रहे हैं, फूलों की इस सजावट को देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ की ओर से उतारी जा रही इस आरती को देख रहे हैं, इस अकल्पनीय, इस अविस्मरणीय पल में हम सब एक साथ बैठकर हाथ जोड़े प्रभु श्री राम के आगे नतमस्तक हैं इस सब के लिए, और इन सबके बीच में शुभकामनाएं। इन सबके बीच में हम लोग आपको लगातार बधाई दे ही रहे लेकिन बड़ी जानकारी भी आपको दे दे कि कल से ये मंदिर खुल जाएगा, कल से आम लोग जो है वो पहुंच पाएंगे, चूंकि आज VVIP मूवमेंट है, सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा कड़ी रखी गई है, पूरे अयोध्या को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया क्योंकि लगातार जो है जो अराजक तत्व हैं जिनको पच नहीं रहा है राम मंदिर, उनकी नजरें जो हैं वो ठीक नहीं थी अयोध्या को लेकर, इसीलिए अवैध किले में तब्दील कर दिया गया पूरे अयोध्या को और प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हो गया है। अब प्राण प्रतिष्ठा के बाद कल से आम लोगों के लिए मंदिर को खोल दिया जाएगा और हम सब कभी भी अयोध्या पहुँच कर रामलला के दर्शन कर पाएंगे और ये वही जगह है जहाँ पर जन्मे थे भगवान श्री राम, ये वो जन्मभूमि जिसके लिए लड़ाई चलती रही लंबी, और देखिए छोटे से प्यारे से रामलला जिनको आप सबसे आगे देख रहे हैं जो कि अचल प्रतिमा के रूप में यहाँ पर स्थापित की गई है और पीछे आप जो चल प्रतिमा है वो भी आपको नजर आ रही है, दोनों प्रतिमाएं यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में और तमाम विशिष्ट अतिथि यहाँ पर मौजूद, प्रधानमंत्री मोदी निहारते हुए इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं और जो 121 आचार्यों की टीम बार बार कह रहे थे इस मूर्ति को देखकर जो नीचे विराजमान है छोटी सी मूर्ति, जो राम अब तक थे टाट में अब बैठे हैं ठाट में और ये सबको कर देंगे अब ठाट में, हम सब ठाट में आ जाएंगे, पूरा भारतवर्ष ठाट में आ जाएगा क्योंकि अब राम का हाथ हम सब पर, बिल्कुल हमारे आराध्य हमारे सामने बिल्कुल, और ये तस्वीरें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, जहाँ राम का इस वक्त पूजन हो रहा है, सालों तक संघर्ष हुआ है और इस संघर्ष यात्रा के बाद एक लंबे सफर के बाद जब राम अपने घर में लौटे हैं तो वो घर कितना खूबसूरत सजा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। श्रृंगार देखिए, श्रृंगार देखिए,
जो श्रृंगार किया गया है, 5 वर्षीय जो प्रतिमा यहाँ पर बनाई गई भगवान श्री राम की, जो श्रृंगार है वो अद्भुत है, अलौकिक है। देखिए किस प्रकार से गहनों से सजा दिया गया है और जीवंत हो उठने वाली ये प्रतिमा इस वक्त लगता है बोल पड़ेंगे अभी रामलला। आप तस्वीरें जरा देखिए। और इसलिए हमने कहा था आपसे, वादा किया था आपसे कि हम आपको घर बैठे, आप किसी भी कोने में हो राजस्थान के, पूरे देश के, हम आपको एक एक तस्वीर दिखाएंगे। और ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, आप देखिए। आशीष, आज हो चुकी है प्राण प्रतिष्ठा और इस बात की गारंटी कि राम राज्य में अब सबकी होगी निष्ठा, क्योंकि इस प्राण प्रतिष्ठा के बाद हम सबकी निष्ठा राम राज्य में है और इस दिव्य, इस भव्य और इस नव्य राम मंदिर में जगमगा रहे हैं श्री राम, जगमगा रही है उनकी ये प्रतिमा और जगमगा रहा है ये पूरा का पूरा मंदिर, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा की धूम के बाद आसपास सब तरफ, इस स्टूडियो के आसपास भी मुझे आतिशबाजी की गूंज सुनाई दे रही है प्राण प्रतिष्ठा। और आज सुबह से की गूंज सुनाई, आज रात जैसे 12 बजे हार्दिक जगह जगह शंख नाद होने लगा, जगह जगह घंटियां बजने लगी, तरह 12 बजे से पूरे देश का माहौल ये था। और जब आज सुबह मैं निकला घर से तो मैंने देखा कि सुबह 6 बजे के वक्त भी सड़कों पर जगह जगह भजन बज रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे अयोध्या सिर्फ अयोध्या में नहीं, अयोध्या आज पूरी दुनिया अयोध्या बन गई है और हर जगह जो भी है वो ये अपने आप को महसूस कर रहा है, वो खुद भी अयोध्या में है, वहाँ प्रत्यक्ष रूप से ना रहते हुए भी पूरा देश आज अयोध्या नजर आ रहा है, राम राज्य की शुरुआत। सनातन का ये शंखनाद मुझे लगता है युगों तक रहेगा। बिल्कुल, ये जयघोष है, ये जयघोष है, ये शंखनाद हमेशा याद रहेगा, वाकई ये जयघोष है। हरपुरी में जो जोश इस वक्त नजर आ रहा है, श्री राम का जो जयघोष सुनाई दे रहा है, और हम सभी इस वक्त प्रभु का अभिनंदन कर रहे हैं, और ये अभिनंदन इसलिए क्योंकि आ गए हैं रघुनंदन। बिल्कुल, और हम लगातार कह रहे थे रघुनंदन का अभिनंदन है और ये अभिनंदन यहाँ पर होता हुआ आप देख सकते हैं प्रभु श्री राम। अब जब भी आप अयोध्या जाएंगे आपको ये जो भगवान राम की ये जो जीवंत हो उठने वाली जो प्रतिमा है वो आपको नजर आएगी, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर हो गई है। और देखिए वहां से प्रधानमंत्री भोग लगाते हुए और प्रधानमंत्री अर्पण करते हुए तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए कितना उत्साह नजर आ रहा है, जो इतना तेज नजर आ रहा है सभी के चेहरे पर मंत्रोच्चारण की गूंज के बीच में इस वक्त भगवान श्री राम का, सुनिए, जो कि राघव स्वरूप में इस वक्त आपके समक्ष सभी को दर्शन दे रहे हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, राघव रूप में माँ कौशल्या के राघव, वही नाम जो माँ कौशल्या ने उन्हें दिया, उसी राघव को आप इस वक्त, आप 5 वर्ष के बाल रूप में इस वक्त देख रहे हैं। अद्भुत छवि निश्चित तौर से, और इन्हीं को वर्णित किया गया है कि नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीट मानहु तड़ित रुचि सुचि नवमी जनक सुतावरम। भक्त वत्सल के सामने भाव विह्वल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जलांजलि अर्पित कर रहे हैं समूचे राष्ट्र की ओर से, और निश्चित तौर से इसी क्षण का इंतजार शताब्दियों से समूचे राष्ट्र को था, समूचे विश्व मानवता को था। जय राम रमा रमणम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। निश्चित तौर से समूचे राष्ट्र की समेकित शक्ति काया, समूचे सनातन संस्कृति का आज अभ्युदय का दिन है, और कहा गया है कि तन की शक्ति हृदय की श्रद्धा आत्म तेज की धारा आज जगा है जग जननी का सोया भाग्य सितारा। कोटि पुष्प चढ़ रहे देव को शुभ चरणों पर, कोटि चरण बढ़ रहे ध्येय की ओर निरंतर। और निश्चित तौर से ये ध्येय है समूचे विश्व कल्याण का, ये ध्येय है जगत गुरु भारत का, ये ध्येय है एक भारत श्रेष्ठ भारत का, समर्थ भारत का, सशक्त भारत का, आत्मनिर्भर भारत का, आत्माभिमानी भारत का, स्वस्थ भारत का, स्वच्छ भारत का, सुंदर भारत का, विकसित भारत का, और अंततः जगत गुरु भारत का। और जगत गुरु संस्कृति के प्रणेता, विश्व में मर्यादा को प्रतिष्ठित करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम विश्व के लिए अभूतपूर्व निधि है, क्योंकि हमारी ही संस्कृति समता की बात करती है और हमारी ही संस्कृति में राज्य राम, राम राज्य की जो संकल्पना है वो आज भी समूचे विश्व के लिए अनुकरणीय है, वंदनीय है।
इस वक्त आप देख रहे हैं कि परब्रह्म परमात्मा आपको दर्शन दे रहे हैं बाल रूप में, और यहाँ पर परब्रह्म कई रूपों में दर्शन दे रहे हैं। माँ सरयू के रूप में वो जलाकार ब्रह्म के रूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। अयोध्या धाम के रूप में, जो कि स्वयं परब्रह्म का ही स्वरूप है, वो इस धरा धाम के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। इसके बाद आप नित्यावतार जो संत स्वरूप माने जाते हैं, उन स्वरूप में भी भगवान लगातार अपने दर्शनों के लिए भक्तों को कृतार्थ करते रहते हैं। और अब आप देखिए प्राण प्रतिष्ठित भगवान श्री राम इस वक्त 51 इंच की ये जो कृष्ण मूर्ति की मूर्ति आपके समक्ष इस वक्त जो प्रतिष्ठित हो चुकी है, भगवान श्री राम दुर्गाभिरामम इस वक्त मन मोह लेते हैं। और जिस तरह से लगातार पूरे प्रांगण में अयोध्या धाम में, जो कि वैकुंठ का हृदय कहा जाता है, इस वक्त सिर्फ एक ही गूंज है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम। सुंदर विग्रह मेघ श्याम गंगा तुलसी शालिग्राम, इस वक्त गर्भगृह में माँ गंगा विराजमान है, तुलसी विराजमान है, शालिग्राम भगवान स्वयं जो दामोदर कुंड से आए हैं वो विराजमान है, और ये सुंदर मेघ श्याम वही भगवान श्री राम जब रघुवंश के पति होते हैं तो वो रघुपति होते हैं, जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होता है तो वो राजा राम होते हैं, जब वो अहिल्या माँ का उद्धार करते हैं तो वो होते हैं पतित पावन, और जब मिथिला जनकपुर धाम में जाकर मैया सीता के साथ विवाह संस्कार करते हैं तो हो जाते हैं सीताराम। लेकिन भगवान आज न रघुपति हैं, न राजा राम हैं, न पतित पावन हैं, न सीताराम हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कौशल्या के राघव हैं। आज पौष के शुक्ल द्वादशी के पावन दिवस पर जब भगवान श्री राम पधारे हैं, प्राण प्रतिष्ठित हुए हैं, तो माँ कौशल्या अत्यंत प्रसन्न होंगी। भगवान सूर्य जिनके वंश में भगवान श्री राम ने जन्म लिया, इस वक्त जो प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं भगवान श्री सूर्य भास्कर की किरणें, नवमी के दिन भगवान के मस्तक को चूमेंगी, ऐसी प्रतिष्ठा की गई है इस मंदिर की। आप समझिए कि इस वक्त भगवान शिव नृत्य कर रहे होंगे। मैं इस वक्त जो मन में मेरे भाव आ रहा है कि इस वक्त त्रिलोकी इस वक्त विह्वल नजर आ रही होगी, भावनाओं में नजर आ रही होगी। स्वर्ग लोक में इंद्र इस वक्त मृदंग का वादन कर रहे होंगे, देवता इस वक्त नृत्य कर रहे होंगे, हनुमान लला हनुमंत लाल इस वक्त नाच के श्री राम जय राम जय जय राम जो भी एक नागरिक के अरमान पूरे हो गए हैं, देश की धरोहर वो राम अब देश की शान हो गए, रक्षा और जितनी खुशी हमें है उतनी ही प्रधानमंत्री है, क्योंकि अपने राम लला मंदिर में विराजमान प्रधानमंत्री के हाथों में रक्षा सूत्र बांधते मुख्य पुजारी आपको दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए तस्वीरें, प्रधानमंत्री अपने हाथों में जैसे कि पूजा के बाद होता है रक्षा सूत्र बांधने का, और मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास वहाँ पर मौजूद, और मंदिर का प्रांगण आप देखिए, बाहर का जो अद्भुत दृश्य नजर आ रहा है, पलक पावड़े बिछा कर लोग इंतजार, क्योंकि आज प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा सरयू से जल लेकर, और वहाँ से जब प्रधानमंत्री स्नान करने के बाद जब निकले यहाँ पर पहुंचे, और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा का पूरा कार्यक्रम हमने आपको लाइव दिखाया। आशीष, और अभी अगर रक्षा सूत्र प्रधानमंत्री बांध रहे हैं तो हमारे वो तमाम दर्शक जो इस वक्त अपने हाथों में रक्षा सूत्र बंधवा रहे होंगे घर में बैठे, उनके लिए हम मंत्रोच्चारण यहीं से कर देते हैं कि स्वस्ति न इंद्रो वृद्धिष्ठवाः, स्वस्ति न पूखा विश्ववेदाः, स्वस्ति न रक्षो वरिष्ठनेमी, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आप भी इस मंत्र के साथ अपने हाथों में रक्षा सूत्र बांध लीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के साथ आनंदीबेन पटेल इस वक्त अपने हाथों में रक्षा सूत्र बांध रहे हैं। इसी मंत्र के साथ आप भी रक्षा सूत्र बांध लीजिए, क्योंकि आपकी रक्षा करने के लिए आ चुके हैं रामलाल। हार्दिक, मैं तो सत्येंद्र दास जी के बारे में बात करना चाह रहा था। ये वो शख्स हैं
जो इनकी उम्र अच्छी खासी हो गई है, जो इनकी 90 के करीब है, और इतना सब उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। अयोध्या में आप कह सकते हैं कि 1965 में जब ये आप कह सकते हैं कि सब कुछ त्यागने के बाद 1965 में जब से इन्होंने पूजा पाठ शुरू की तब से अयोध्या में, और अब आप सोच लीजिए तब से इन्होंने क्या क्या नहीं देखा, और इनकी नज़रों के सामने आज राम मंदिर बना भी, प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है, प्रधानमंत्री ने झुककर प्रणाम भी किया है। और देखिए ये गर्भगृह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव ये तस्वीर है जहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं और अब परिक्रमा हो रही है। बिल्कुल, अब परिक्रमा करते हुए हमें सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके ठीक पीछे आप महंत को देख सकते हैं, और महंत सत्येंद्र दास, उनके ठीक पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, और पांचों यजमान इस वक्त परिक्रमा करते हुए रामलला की ये मूर्ति यहाँ पर विराजित हो चुकी है। और जैसा कि मैंने कहा कि हम सबके अरमान पूरे हो चुके हैं, हम सबका एक सपना साकार हो चुका है, और वाकई ये कहना गलत नहीं होगा कि एक एक नागरिक के दंडवत होते प्रधानमंत्री मोदी की एक्सक्लूसिव तस्वीर। ऐसा ही जब भूमि पूजन हुआ था तब दंडवत हुए थे, और अब प्राण प्रतिष्ठा के बाद दंडवत प्रधानमंत्री मोदी को आप देख सकते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधा गर्भगृह से जब प्रधानमंत्री मोदी दंडवत नजर आ रहे हैं रामलला के सामने हार्दिक। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही तस्वीर हमने शिलान्यास के वक्त देखी थी, और आज यही तस्वीर हम दोबारा देखने जा रहे हैं, और इस तस्वीर को देखने के हम सौभाग्यशाली साक्षी बने हैं। ये देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त दंडवत प्रणाम करते हुए नजर आ रहे हैं और आ गए हैं रामलला। अयोध्या में उत्सव का माहौल है, प्रसाद ग्रहण करते हुए आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया है, और इसी के साथ अब प्रसाद का वितरण होगा। अगर आप अपने घर में पूजा पाठ कर रहे हैं तो आप भी महाप्रसादी का वितरण कर लीजिए, क्योंकि रामलला का प्रसाद अब घर घर बंटने जा रहा है। मतलब हार्दिक, अब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा हो गया है। बिल्कुल, अब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम लगभग पूरा हो गया है, और अब क्योंकि राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिव के पास जाएंगे, और अब वो शिव का पूजन भी करेंगे। इसके बाद राम के पूजन के बाद अब शिव का पूजन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जाने वाले हैं। अब योगी आदित्यनाथ भी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, इसी के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भी महाप्रसादी दी जा रही है, उन्हें भी प्रसाद दिया जा रहा है। और आप देखिए चेहरों पर जो खुशी है उस खुशी को आप देख लीजिए, चेहरों पर जो उत्साह है वो उत्साह आप देख लीजिए। सरसंघ चालक मोहन भागवत को देखिए कितने उत्साहित हुए जब उनका संबोधन मैंने सुना था, और आशीर्वाद लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आशीर्वाद ले रहे हैं, सत्येंद्र दास जी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही रामलला को पूछते चले आए, और आज आप देख सकते हैं उनको, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं गर्भगृह में, और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो अद्भुत है, और इसी तस्वीरों का इंतजार ना जाने कितनी पीढ़ियाँ कर रही हैं। और प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त जो है गर्भगृह से बाहर निकलते हुए आप देख सकते हैं तस्वीरें, प्रधानमंत्री मोदी ये जो स्वर्ण दरवाजा लगा हुआ है गर्भगृह का उससे पार अब मंदिर प्रांगण में आए हैं, और देखिए ये आए हजारों मेहमान जो पहुंचे हुए जिनको स्पेशल वो कार्ड भेजा गया, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मैं रविंद्र जडेजा को देख पा रहा हूँ, उनकी पत्नी रीवा जडेजा उनके साथ वहाँ पर मौजूद अभी मुझे दिखाई दिया, और इसे करके करीब करीब 7,000 मेहमान जो है वो बुलाए गए हैं। नक्काशी को एक बार देख लीजिए, क्योंकि इस नक्काशी को देखने के लिए आप आतुर होंगे, आप खुद जाना चाहते होंगे अयोध्या अभी के अभी, और अगर नहीं जा पा रहे हैं तो बस जी राजस्थान लगाए रखिए, जी राजस्थान पर इस मंदिर की नक्काशी को देखिए जिसे इस खूबसूरती के साथ उकेरा गया है पत्थर पर। आप देखिए उस मंद मंद मुस्कान को जो रामलला के चेहरे पर उकेरी गई है, आप देखिए कि कैसे जो चौखट है इस मंदिर की वो कितनी खूबसूरती नक्काशी के साथ सजाई गई है। स्वर्ण द्वार जो है वो इस तरह के 13 लगाए गए हैं, और स्वर्ण द्वारों पर भी जो नक्काशी की गई है वो भी देखते बन रही है। देखिए रितंबरा जी को आप देख सकते हैं, जो आज इनके आजकल इनके इंटरव्यूज बहुत वायरल हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत करीब से हर चीज़ को देखा है, और जब भी ये बोलती है तो बोलते बोलते भावुक हो जाती है, क्योंकि जब गोलियां चली तब ये लोग वहां पर मौजूद रहे और किस प्रकार की क्या चीज़ें रहीं, तो ये जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनकी बातें जब सुनते हैं। अब देखिए किस प्रकार से संतों का आशीर्वाद लेते प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं, और यही बदलाव है, यही राम राज्य है जहाँ पर संतों का सम्मान होता है। ये वो समय नहीं है जब गोलियां चला दी जाती हैं, जब चोटी रखने पर डर लगता था हिंदुओं को, अब वो समय नहीं रह गया,
अब लोग माथे पे तिलक भी लगाते हैं और गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। और प्रभु श्री राम आज विराज चुके हैं अपने भव्य मंदिर में, जो पहले रहते थे एक छोटे से तंबू के नीचे, आज वो रह रहे हैं अपने भव्य मंदिर में जहां उनकी जगह बनती है। आप देखिए, सोने की एक अंगूठी भेंट की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संतों की ओर से, सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। संत है जो कि उनके गले में रुद्राक्ष की माला पहनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कोई माला भेंट कर रहा है, कोई सोने की अंगूठी भेंट कर रहा है। प्रधानमंत्री को इतनी सारी भेंट इसलिए मिल रही है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश को एक भेंट दी है, और ये भेंट है भव्य राम मंदिर की, नव्य राम मंदिर की, ये भेंट है दिव्य राम मंदिर की। अब मोहन भागवत को देखिए, मोहन भागवत के चेहरे का ये तेज, आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी सबकी अपनी अपनी भूमिका राम मंदिर आंदोलन से लेकर आज अगर आप देख पा रहे होंगे, मोहन भागवत के चेहरे को आप देखिए, वो अभी भी मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। बिल्कुल, उनके मंत्रोच्चारण अभी रुके नहीं है, वो अभी भी मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये जो अनुष्ठान है ये पूरा हो मंत्रोच्चारण के साथ, इस मंदिर में वो पूरे समय संतों को, संतों को जो सही सम्मान मिलना चाहिए, संतों को वो सम्मान मिला जो हमारे देश की धरोहर, हमारे देश की पहचान संत समाज। अब देखिए किस प्रकार से, एक वो समय था जब जो गोलियां चलती थी, फिर चाहे वो गौ सेवकों पर गोलियां चली हो, फिर चाहे वो राम मंदिर कार सेवकों पर गोलियां चली हो, और आज का ये समय जब हम देख रहे हैं, तो ये तस्वीरें अपने आप में बयां करने के लिए काफ़ी हैं कि कितना बदलाव हुआ है पिछले कुछ वर्षों में। और आज जो संत समाज है हमारे देश का, वो अयोध्या में है, और संत समागम हम देख रहे हैं अयोध्या में, और किस प्रकार से बाहर पलक पावड़े बिछाए लोग मौजूद हैं, जिन जिन को बुलाया गया, जिन जिन को वो कार्ड भेजा गया, जो कार्ड जो है बेहद खूबसूरत बनाया गया, और आज वो सभी मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। साथ साथ में मंदिर का ये प्रांगण, ये नक्काशी देखिए किस प्रकार से आधुनिकता से लेकर, ये जो फूल है आज बिल्कुल अर्जेंटीना से मंगाए गए हैं, और बिल्कुल बहुत से फूल हैं जो इंडोनेशिया से मंगाए गए हैं। विदेशी फूलों से सजावट की गई है क्योंकि उत्साह केवल 140 करोड़ की आबादी वाले भारत में नहीं है, उत्साह 7 अरब की आबादी वाले इस वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा रखने वाले पूरे विश्व में। प्रमुख मोहन भागवत को अंगूठी पहनाई जा रही, देखिए तस्वीरें देखिए, और बहुत उत्साहित सभी के चेहरे पर तेज मुस्कान, और बहुत सौभाग्यशाली वो लोग जो इस वक्त इस परिसर में मौजूद हैं और गर्भगृह में मौजूद हैं हार्दिक, और ये अद्भुत तस्वीरें दिखने को मिल रही है। मोहन भागवत जी की ओर से अभी भी मंत्रोच्चारण लगातार जारी है। बिल्कुल, राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सभी गणमान्य लोग इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे उदेशगिरी हो, ये तमाम नाम हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ में बाहर का नज़ारा देखिए, बाहर लोग कितने पैमाने पर, जो तमाम संत हैं, जो तमाम लोग हैं, मेहमान हैं जो यहाँ पर बुलाए गए हैं, वो इंतजार करते हुए, क्योंकि बाहर मंच भी बनाया गया है, प्रधानमंत्री आज हो सकता है संबोधन भी उनका हो। और ये देखिए जो 5 गणमान्य लोग जो इस वक्त निकल रहे हैं बाहर, आप उनको देख सकते हैं, चाहे वो सूबे के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हो, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत, और मुख्य पुजारी रामलला के। बिल्कुल, और आशीष इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। यहां से निकलकर राम मंदिर का निर्माण करने वाले श्रमजीवियों से, मजदूरों से, श्रमिकों से मुलाकात करने वाले हैं प्रधानमंत्री। इसके बाद श्री राम जन्मभूमि परिसर में जो कुबेर टीला है वहां पर शिव मंदिर में पूजा अर्चन करने वाले, लाइव तस्वीरें, बिल्कुल लाइव तस्वीरें देखिए, मंदिर को कितना भव्य सजाया गया है। और जैसा कि हार्दिक बता रहे हैं, मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी हम आपके सामने साथ साथ में आपको बताते चल रहे हैं, लेकिन ये मिनट टू मिनट कार्यक्रम के बीच में इन नजारों को मिस मत करिए, ये तस्वीरें मिस मत करिए, क्योंकि हम देखिए गर्भगृह की तस्वीर अभी भी आपके स्क्रीन पर हमने बना के रखी हुई ताकि आप दर्शन करते रहें। साथ साथ में जो बाहरी आवरण प्रांगण, आप ये देखिए व्यू देखिए, अद्भुत अलौकिक ये छटा बिखरी हुई है अयोध्या में, और सब कुछ राममय नजर आ रहा है। जितनी बातें की जाए उतनी कम, आप इसका व्याख्यान करते करते थक जाएंगे, लेकिन कितना सुंदर ये मंदिर जो है वो आपको नजर आ रहा है। संतों में उत्साह आप देख रहे हैं, राममय अयोध्या नगरी, राममय पूरी दुनिया आज, क्योंकि आज राम राज की स्थापना। और हमने आपको हर एक तस्वीर दिखाई है कि किस प्रकार से अर्जेंटीना से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, और अमेरिका से लेकर जोहान्सबर्ग अफ्रीका तक, ये खूबसूरत तस्वीरें जो है वो देखने को मिली है। रामलला आ गए हैं, अयोध्या में उत्सव है, रघुनंदन का अभिनंदन है, रामलला के दर्शन किए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और संतों के अंदर का उत्साह, उनके चेहरे की मुस्कान आप देखिए, हाथ उठाकर सभी लोग जय श्री राम। और प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मंदिर प्रांगण में घूमते हुए, देखते हुए, विचरण करते हुए कि आखिर मंदिर कितना खूबसूरत बनाया गया है, और किस प्रकार की नक्काशी यहाँ पर।
और ये वही स्वर्ण द्वार है जिसकी चर्चा बार बार हो रही है। स्वर्ण द्वार को निहारते हुए इस वक्त प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। इस तरह के 13 स्वर्ण द्वार और हैं जो इस मंदिर परिसर में लगाए गए हैं। फिलहाल इसका गर्भगृह बनकर तैयार है। इस गर्भगृह के बाद अब बनेगा प्रथम तल, जहां पर राम के साथ सीता भी होंगी, यानी उनकी पत्नी जानकी होगी, इसके साथ ही हनुमान होंगे।